हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि एकदम आप मस्त होंगे। दोस्तों तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक्स, क्लास 12 से रहने वाला है। और 12 से अगर बात करें तो हमारे वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आए हैं, और हमारे एक दो क्लास और चलने वाली है कॉन्सेप्चुअल क्लास से क्वेश्चन से, और उसके बाद सीधा हम आएंगे सीधा 5 मार्क्स क्वेश्चंस पर। जी हाँ दोस्तों, 5 मार्क्स क्वेश्चन पर आएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, और एक से एक क्वेश्चंस का मजा लीजिए। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज हम के नए क्वेश्चंस। तो दोस्तों क्वेश्चंस हमारा फिर से रहने वाला है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन आज हमारा रहने वाला है, कितना क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, जी हाँ दोस्तों 29 क्वेश्चंस हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 30। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 रहेगा, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहेगा लास्ट तक। तो क्वेश्चन क्या होगा 30? तो क्वेश्चन ये होगा दोस्तों, व्हाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर, व्हाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर किसका, ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल यस, बाय स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर, नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल। क्वेश्चन देख लिए जी दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है दोस्तों। तो दोस्तों ये कहता है कि अगर हम ऑर्थो या पैरा और सॉरी नॉट या ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल का कोई मिक्सचर है, अब हम उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। किसको? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बना देते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल OH एंड ONO, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड सेकेंड वन इज द ऑर्थो पैराफिन सॉरी पैरा नाइट्रोफिनोल। दोस्तों ये है, ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और ये पैरा नाइट्रोफिनोल है, ये बात ध्यान रखें। दो इन दोनों का मिक्सचर है कोई, इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया, एक मिक्सचर है, ये मिक्सचर है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, सेपरेट करना है किससे, स्टीम डिस्टिलेशन से, स्टीम डिस्टिलेशन से। दोस्तों समझना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है कि कोई इन दोनों का मिक्सचर है, इनको सेपरेट करना है स्टीम डिस्टिलेशन से। तो इन्होंने कहा गया कि कौन सा ऐसा आइसोमर है, इन दोनों में कौन सा आइसोमर है जो वोलेटाइल हो जाएगा, जो स्टीम वोलेटाइल है, जो वेपराइज होकर उड़ जाएगा, स्टीम वोलेटाइल मतलब कि जो वेपरेट हो जाएगा, ये या फिर जी। तो दोस्तों इसमें भी, इसमें दोस्तों एक बात आती है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या इसका आंसर रहने वाला है। दोस्तों अगर आंसर की हम बात करते हैं तो ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होगी, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है। इसके अंदर बात कहें तो ये क्या होगी, इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कौन सी है, इंट्रा, इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोस्तों। दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर इंटर, इसके अंदर इंट्रा, समझ में आया? हाँ। अब हम ये बात कहेंगे कि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ये क्या होती है, थोड़ी सी वीक होती है, ओके। ये स्ट्रॉन्ग होगी और ये वीक होगी, समझिए चलो दोस्तों, कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि वीक होती है, जबकि ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है। बात अब क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर क्या होगा कि अब जब ये वीक होगी, ये स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये बॉन्डिंग आसानी से टूट जाएगी और क्या हो जाएगी, स्टीम वोलेटाइल। लिखेंगे कौन सा होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज वोलेटाइल बिकॉज, इज वोलेटाइल बिकॉज, बिकॉज इन पैरा नाइट्रोफिनोल
पैरानाइट्रोफिनोल क्या होगा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इन पैरानाइट्रोफिनोल हैज स्ट्रॉन्ग, ये पैरानाइट्रोफिनोल इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड, इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द इंट्रा, विद द इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज बट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। सिंपल यही इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वोलेटाइल होगा क्योंकि पैरानाइट्रोफिनोल क्या होता है, स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जबकि इसके अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इंट्रा वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है इसके कंपेयर में। तो दोस्तों आई होप कि आपको जिसमें क्लियर हो गया होगा दोस्तों। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप हमारे क्लास से जुड़े हैं तो डेफिनेटली दोस्तों हमारी जिम्मेदारी बनती है आपको टॉप पर ले जाना। तो दोस्तों जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 31 क्वेश्चन ये कहेगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ओके तो 31 हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल व्हाई, रीजन है दोस्तों क्या, यही क्या क्वेश्चन बचा गया है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल के। बात करेंगे दोस्तों कि अब बात करेंगे NO2 ग्रुप नाइट्रो वाला है, ये नाइट्रो वाला NO2 ग्रुप है, मेथोक्सी वाला है तो OCS3 ग्रुप, दो डिफरेंट ग्रुप है। फिनोल तो सेम वही पेरेंट हाइड्रोकार्बन, तो फिनोल ही है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल में क्या रिलेशन होगा, इनमें ये रिलेशन होगा दोस्तों, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दोस्तों, कौन सा, NO2। जबकि OCS3 आएगा तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बस इसका आंसर यही यहां से बनने वाला है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कोई भी बेंजीन हमने माना, ये फिनोल है OH, ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल है, और यहां पर बात की जाए तो ये क्या है, ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल OCS3, ये ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल है, O से इसे बना देते हैं दोस्तों OH। तो ये क्या, इसका नेचर ये होता है कि ये यहाँ से NO2 क्या होता है, ये NO2 ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हमने कहा क्या ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे क्या रहा है, ये प्रोटॉन दे रहा है, क्या दे रहा है, प्रोटॉन, ध्यान रखना दोस्तों। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो देता क्या है, प्रोटॉन। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दे क्या रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन लिख दो, PROTON। देखो समझ लो, इन दोनों में इतना डिफरेंस है कि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा पर प्रोटॉन देगा, ये डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन देगा और प्रोटॉन लेगा, बस यही पर बात आ जाती है। जो प्रोटॉन देता है वो क्या होता है, एसिड होता है, और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या होता है, बेस होता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा, देखते हैं, क्लियर हो गया दोस्तों, आ गया। बिकॉज ये लिखें, बिकॉज NO2 ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच विड्रो इलेक्ट्रॉन एंड डोनेट प्रोटॉन। जब प्रोटॉन डोनेट करता है, जबकि क्या है, मिथोक्सी इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बट एंड लिखेंगे एंड एक्सेप्ट
एंड एक्सेप्ट प्रोटोन, और प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। जो प्रोटोन दे रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। जो प्रोटोन ले रहा है वो क्या होगा, बेसिक होगा। और इसी वजह से डेट इज वाई यहीं पर हो जाता है क्या, डेट इज वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक, इज मोर एसिडिक देन देन ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल, ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल। दोस्तों यही हमारा क्या हो गया, रीजन हो गया, यही आंसर हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डोनेट है तो एक्सेप्ट प्रोटोन, एंड विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन देन डोनेट प्रोटोन। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो दोस्तों जल्दी से जल्दी। ओके तो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। अब यहाँ छुट्टी होने वाली है दशहरा दीपावली की, तो आप इस टाइम में बहुत ही अच्छे से इनको रिवाइज कीजिएगा। तो चैलेंज करता हूँ दोस्तों, यहाँ से बाहर बोर्ड का पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 32 क्वेश्चन पे बारे बात करेंगे। 32 क्वेश्चन क्या कहता है कि OH ग्रुप अटैच्ड टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स इट टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। वाई, रीजन क्या है दोस्तों कि OH ग्रुप किससे जुड़ा होता है, बेंजीन से जुड़ा होता है। देखेंगे OH ग्रुप क्या होगा, बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब इससे जुड़ा है तो ये क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है, इसको एक्टिवेट करता है किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर देता है। क्यों ऐसा क्यों है, तो समझ लो OH ग्रुप का सेम वही है। OH ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अभी जस्ट मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो जब यहाँ पर देगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक की, तो इलेक्ट्रोफिलिक में मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, समझ आया। जब ये नेगेटिव बढ़ेगा तो पॉजिटिव इस पर आसानी से क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। क्या करेगा, पॉजिटिव यहां पर अटैक कर लेगा, और अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, इसको एक्टिवेट करता है। लिख देते हैं अब क्या, बिकॉज OH ग्रुप, पहले समझ लो इसको, देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर ESR आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, रिएक्टेंट पर, रिएक्टेंट पर अटैक करके फिर क्या बना लेगा, कोई भी कंपाउंड बना लेगा। देखते हैं OH ग्रुप इसके साथ जुड़ा होता है और इसको एक्टिवेट कर देता है किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि OH ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को। जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो निगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। जैसे निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो आसानी से उसके लिए क्या हो जाएगा, कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए। निगेटिव कम हो जाएगा तो वहाँ पर, निगेटिव कम होगा तो पॉजिटिव वाला बढ़ने लगेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन करेंगे। जब निगेटिव बढ़ेगा पॉजिटिव आसानी से उस पर अट्रैक्ट कर लेगा, बिकॉज अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। बात करते हैं, बिकॉज OH ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विच इनक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द बेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, ऑन द बेंजीन रिंग विच फैसिलिटेट, विच फैसिलिटेट फैसिलिटेट्स विच फैसिलिटेट्स फॉर द अटैक ऑफ, फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, यही तो बात कही है कि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए उसको क्या कर देता है, फैसिलिटेट कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर लेगा। क्यों बढ़ गई, क्योंकि OH ग्रुप दे रहा है इलेक्ट्रॉन। क्यों दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दैट्स इट दोस्तों, समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों, लाइक देना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों पता है आप लोगों में क्या थोड़ा सा गड़बड़ है, ये है कि दोस्तों आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो, क्योंकि दोस्तों आप लोग कैसा है, कैसा समझ आता है, नहीं आता है, कोई डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। एवरी टाइम 24 आवर्स, कभी भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों, कभी भी। आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट जरूर लिखिएगा कि कैसा है आपको क्लास, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है क्या। ओके दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर मूव करेंगे। 33 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 33 क्वेश्चन ये कहता है कि प्रिपरेशन ऑफ इथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्चरी एल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड। व्हाई? रीजन क्या है दोस्तों इसके पीछे, कि ये सुटेबल मेथड नहीं होता। हमने कहा अगर इथर को बना रहे हैं, इथर का मतलब होता है कि आर ओ आर भी हो सकता है। जब दो एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, दोनों साइड ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, तो यही ग्रुप क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप है, और जिसका नाम होता है इथर। हमने कहा जब इथर बनाते हैं तो उसके लिए क्या सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा पता है कि किससे बनता है, प्राइमरी से बनता है। किससे बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से बनता है, हमने पता होगा। और दूसरी बात, विलियमसन सिंथेसिस से भी बनता है, विलियमसन सिंथेसिस से भी हम इसको बनाते हैं, ठीक है, एल्काइल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करके। ओके हाँ, तो बात कहते हैं कि प्राइमरी से बनाया जाता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल से बनाते नहीं है, क्योंकि वो सुटेबल मेथड ही नहीं है। उसका अगर हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं, बात करेंगे इसी क्वेश्चन पर। ओके हाँ दोस्तों, यही बात आज हम यहाँ पर आने वाले हैं कि क्या, कि टर्चरी अगर हम यूज करते हैं, माना टर्चरी CCCCOH, यहाँ पर CH3 करेंगे, H नहीं करेंगे दोस्तों, CH3H, ये टर्चरी है और सेकेंडरी है CH3CH, ये हो गया OH और ये हो गया CH3, ये हमारा सेकेंडरी आ गया। ये मेथड हम दोनों यूज नहीं करते हैं, क्या बनाने के लिए, इथर बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक ही चीज है कि जब हम क्या करेंगे, इसको इसका एसिड डिहाइड्रेशन करते हैं, एसिड डिहाइड्रेशन करेंगे, इसका भी एसिड डिहाइड्रेशन करते हैं, तो क्या होगा, लिख देता हूं, एसिड डिहाइड्रेशन जब हम करेंगे तो इसमें दोस्तों क्या बनेगा, दोनों में एल्कीन बनता है, इसमें भी एल्कीन बनेगा, इसमें भी एल्कीन बनेगा, दोनों में एल्कीन बनता है, क्या इथर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसमें क्या होगा, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, वो इसको अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीन ग्रुप हैं, इसमें ये तीन ग्रुप दिए हुए हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेंगे इस पर, तो ये क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं।
रुकावट पैदा करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं होने देते इस पर। कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करेगा तो क्या काम करता है कि ये अल्काइल ग्रुप होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकते हैं, क्योंकि ये तीन है, ये अकेला न्यूक्लियोफाइल जैसे उस पर अटैक करेगा तो रोकेंगे, उसको अटैक नहीं करने देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी दो अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ने के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस होता जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर बात आती है तो रुकावट पैदा करना होता है, जो कोई ग्रुप आ रहा है उसको आने से रोकता है, आने नहीं देता, रोकता है। ओके, जैसे हमारे क्या होते हैं सोल्जर्स, क्या होते हैं बॉर्डर पर होते हैं, अगर एक बंदा उधर है और एक ही इधर है तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, रोक नहीं पाएगा, वो किसी तरह उसको धक्का भी दे सकता है, मार भी सकता है, धक्का दे के अंदर भी घुस सकता है। अगर दो सैनिक होंगे और वो अकेला होगा तो उसको कभी भी घुसने नहीं देंगे, तीन हो जाएंगे तो और भी नहीं घुसने देंगे उसको। तो यही उसको क्या कर रहे हैं, सैनिक जो है उसको अटैक करने से रोक रहे हैं, वो अटैक करना चाह रहा है बट ये रोक रहे हैं उसको, अटैक नहीं करने दे रहे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये ज़्यादा है वो कम है, तो इनकी प्रॉपर्टी होती है उसको अटैक करने से रोकना, तो यही स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाती है। तो पहले क्या, अगर एक होगा तो आसानी से आ जाएगा, दो होगा, इधर दो है इधर एक है तो स्टेरिक हिंड्रेंस शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक वो अटैक नहीं कर पाएगा और ये करने नहीं देगा, उसको बार बार पीछे भेजते रहेंगे, पीछे धकेलते रहेंगे। तीन होंगे तो और भी नहीं अटैक करने देंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। तो वही होगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करता है तो अल्काइल ग्रुप तीन होंगे तो जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ पर दो होंगे तो यहाँ पर भी क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा। जब स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा तो, और दूसरी बात हम ये कहेंगे, इसका एसिड डिहाइड्रेशन करेंगे तो इस कंडीशन कुछ तो बनेगा, यस बनेगा, कुछ ना कुछ, इथर तो नहीं बनेगा बट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा दोस्तों, यहाँ पर क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ओके, तभी हम क्या बोल, किसके लिए, अगर हमें मेथड लेना होता है इथर बनाने के लिए तो प्राइमरी एल्कोहल का यूज करते हैं दोस्तों। ओके, प्राइमरी एल्कोहल का यूज करेंगे और किसी चीज का इसका दूसरा यूज नहीं करते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल के लिए इथर बनता है और यहाँ कंडीशन में इथर नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि अल्काइल ग्रुप होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने से रोकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी, मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग ही टॉपिक के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।